सो हे गाइस, स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा, जैसे कि हमने पहले भी विंडोज़ और काली लिनक्स में कंपेयर किया था कि सबसे बेहतर फाइल ट्रांसफ़र कौन कर सकता है, और उसमें हमारा काली लिनक्स जो है विनर आया था। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि काली लिनक्स और विंडोज़ में सबसे ज़्यादा साउंड किस में होती है। तो इसको हम मापने के लिए एक ऐप का यूज़ करेंगे जिसका नाम है साउंड मीटर, और इसे हम कुछ डेसिबल में मापेंगे। जिसकी भी साउंड डेसिबल में सबसे ज़्यादा होगी वो होगा आज का हमारा विनर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसको टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे ताकि जितनी भी प्रोसेसिंग है वो रीस्टार्ट हो जाए, और ऐसा ही सेम हम काली लिनक्स के साथ करेंगे। और जब मैं साउंड टेस्ट करूंगा तो मैं फ़ोन को कुछ इस तरह से रख दूंगा जैसा कि आप देख रहे हैं, ताकि इसका जो माइक्रोफोन है सीधा स्पीकर को कैच करे। और मैंने इसके लिए एक फ़ाइल यहाँ पर रख रखी है, यही फ़ाइल हम काली लिनक्स में भी यूज़ करने वाले हैं ताकि सेम साउंड को हम टेस्ट कर सकें। और मैंने अपने फ़ोन में ये ओपन कर लिया है ऐप, और यहाँ पर मैंने वो वाली फ़ाइल ओपन कर ली है। यहाँ पर वो म्यूज़िक है, तो इसको हम टेस्ट करेंगे। और ये फ़ाइल कुछ 30 सेकेंड की है, और जैसे ही हम इसे स्टार्ट करेंगे ये डेसिबल में चालू होने लग जाएगा। और ऐसा टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम अपने विंडोज़ की जो साउंड है उसे हम फुल पे कर लेंगे, और यहाँ से भी हम कर देंगे। तो मैं इसकी अब करता हूँ साउंड, और मैं आपको बता दूँ कि हम इसमें सेम VLC मीडिया का यूज़ नहीं करने वाले विंडोज़ और काली लिनक्स में। तो उसमें वो दूसरा मीडिया प्लेयर होगा जो बाई डिफ़ॉल्ट आता है, और इसमें हम VLC मीडिया का यूज़ करेंगे। फिर हम टेस्ट करेंगे कि किसका बेटर होता है, क्योंकि हमें ये बाय डिफ़ॉल्ट ही मिल जाता है। और अब हम साउंड को करते हैं 100 पे, तो मैं इसे 100 पे कर देता हूँ। इसको 100 पे करने के बाद हम इसके VLC मीडिया की भी जो वॉल्यूम है उसे भी हम 125 पे कर देते हैं, और उसके बाद हम इसे प्ले करते हैं। तो यहाँ पे हमारा साउंड टेस्ट हो चुका है कंप्लीट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिनिमम, एवरेज और मैक्सिमम कितना गया है। तो देख सकते हैं मिनिमम 24.8, एवरेज 49.1 और मैक्सिमम 74.9 यहाँ पे जा चुका है। और मैंने यहाँ पे जानबूझ के ही 125 VLC मीडिया का जो वॉइस होता है उसको कर दिया था, ताकि हम देख सकें कि इतना करने के बाद भी क्या ये इसको काली लिनक्स को पीछे छोड़ सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने काली लिनक्स में टेस्ट करने के लिए। तो हम आ गए हैं इसमें, और यहाँ पे भी सबसे पहले हम रीस्टार्ट कर देंगे अपने कंप्यूटर को, ताकि जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही है वो रीस्टार्ट हो जाए सेम विंडोज़ के जैसे। तो मैंने इसको यहाँ पर रीस्टार्ट पे क्लिक कर दिया, और अब भी हमारा रीस्टार्ट होना स्टार्ट हो चुका है, और अब ये स्टार्ट हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे देता हूँ अपना पासवर्ड, और जैसे ही हम अपना यहाँ पे पासवर्ड देंगे ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद मैंने फिर से फ़ोन को उसी तरह रख दिया है जिस तरह हमने पहले विंडोज़ में रखा था, और उसके बाद हम आ चुके हैं अपने काली लिनक्स मशीन में। उसके बाद मैं यहाँ पर ये साउंड मीटर जो ऐप है उसे मैं ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर भी हम वही फ़ाइल का यूज़ करने वाले हैं। तो ये रही हमारी फ़ाइल, जिसे मैं इसे 0 पे कर देता हूँ, और इसको इस ऐप को भी मैं अब ऑन कर लेता हूँ, और अब मैं साउंड को भी फुल कर देता हूँ। और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी 100 ही है साउंड, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अब हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट।
तो यहाँ पे काली लिनक्स का भी जो है साउंड टेस्ट वो कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम है 22.8 और एवरेज और मैक्सिमम आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक बारी मैं इसको आपको जूम करके दिखाता हूँ कि ये हमारा कितना ज़्यादा तक गया है, कितना ये पीक पर गया। तो मैंने इसे पॉज कर दिया, और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मिनिमम है 22.8, एवरेज है 58.3 और मैक्सिमम है 75.7। तो मैक्सिमम आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कितना। और अब हम कंपेयर करते हैं कि कौन सबसे बेस्ट रहा है। तो यहाँ पे रिजल्ट्स हमारे सामने हैं, और आप देख सकते हैं विंडोज़ का जो मैक्सिमम डेसिबल गया है वो गया है 74.9, और यहाँ पे काली लिनक्स का जो है वो है मैक्सिमम 75.7, और यहाँ पे आप इनका मिनिमम एवरेज भी कंपेयर कर सकते हैं। और हमने विंडोज़ का 125 पे वॉल्यूम भी कर दिया था VLC मीडियम में, फिर भी ये नहीं जीत पाया, और यहाँ पे काली लिनक्स होता है हमारा विनर। और जो हमारे यहाँ पे डेसिबल का जो डिफरेंट रहा है इन दोनों के बीच में वो रहा है हमारा 0.8, और यहाँ पे जो हमारा विंडोज़ है वो गंदी तरह से हार चुका है साउंड टेस्ट में। तो यही थी आज की वीडियो, और आज की वीडियो में मैंने कंपेयर किया, टेस्ट किया विंडोज़ वर्सेस काली लिनक्स में कि कौन सबसे ज़्यादा साउंड प्रोवाइड करता है। और अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से बताऊं तो सबसे ज़्यादा साउंड तो काली लिनक्स ही प्रोवाइड करता है, जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, और आपने भी कभी ये एक्सपीरियंस किया होगा। तो यही थी आज की वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।